जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटोलॉजी एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी करंट क्राइसिस चल रहा है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, तो इसकी शुरुआत क्या, कहाँ से हुई, इसकी इतिहास क्या रही है, और ये अभी की क्या वस्तु स्थिति है और कैसे ये चले जा रहा है। तो इस इन सब जानकारियों के लिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या अभी की परिस्थिति है और पहले से क्या चलती आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसराइल है कहाँ पे। तो इसराइल जो है सो अरब वर्ल्ड में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है और इधर रेड सी को ये ज्वाइन करता है। और यहाँ पर इसराइल जो है सो शुरुआत से नहीं था। यहाँ पे पहले इसराइल के यहूदी लोग रहते थे, यहूदियों का ये जगह था, लेकिन फिर ऑटोमन एम्पायर के आने के बाद, तुर्की का एम्पायर के आने के बाद जो है सो इनको यहाँ से हटना पड़ गया, भागना पड़ गया। क्योंकि एक समय ऐसा था, सब लोग जानते हैं कि तुर्किस एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो है सो वेस्टर्न यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल तक फैला हुआ था। इधर जो है सो ये अरबियन पेनिनसुला, इधर मिडिल ईस्ट, बहुत सारे जगहों पर वो फैला हुआ था, इधर अफ्रीका में भी था। अभी क्या है परिस्थिति कि इसराइल जो है सो चारों तरफ मुस्लिम नेशन से, मुस्लिम कंट्री से, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। और जिसके कारण कि ये जो मुस्लिम देश हैं, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, यहाँ पर सीरिया है, लेबनान है, टर्की है, इराक है, तो कोई भी मुस्लिम देश जो है सो मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे एक देश की मान्यता नहीं देता है। हालांकि अभी रिसेंट पास्ट में कुछ कुछ देशों ने इसे, जैसे कि सऊदी अरबिया की थोड़ी सी परिस्थिति सुधरी है, उसके साथ यूएई की सुधरी है, तो कुछ कुछ देशों की सुधर रही है, लेकिन अभी भी जो परिस्थिति है उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो ये जो इसराइल है, वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में खत्म हुआ, तो उसके बाद जब सबको पता है कि यहूदियों को जर्मनी में बहुत मारा गया था, उनका जो है सो प्रोसिक्यूशन किया गया, बहुत सारे नंबर में उनको मार कर खत्म करने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई नाजी सैनिकों के द्वारा। और नाजी सैनिक और दूसरे कंट्रीज में, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, जहां पर भी वो लोग जाते थे तो वहां से जो है सो ये लोग उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। और इसके कारण क्या हुआ कि ये जो है इनकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी यहूदियों की, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक वेस्टर्न यूरोप में थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहां से ये लोग भागने लगे, कुछ अमेरिका, कनाडा, इधर उधर, जहां जिनको मौका मिला वहां पर भागे। लेकिन फिर भी इनके साथ दिक्कत हो गई, क्या कि ये स्टेटलेस हो गए। स्टेटलेस हो गए मतलब क्या कि इनका अपना कोई देश नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं था। तो यूनाइटेड नेशंस ने, लीग ऑफ स्टेट्स जो था सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से पहले विश्व युद्ध के बाद बना था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसके पास अथॉरिटी ज्यादा थी, पावर ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया कि अरब वर्ल्ड में यहाँ पर ये जो है सो पहले क्या था कि कॉलोनाइज्ड था, यानी कि यहाँ पर ये उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का, फ्रांस का और दूसरे दूसरे देशों का। तो यहाँ पर जो उपनिवेश था उसी में से इन्होंने जब ऑटोमन एम्पायर को, टर्किश एम्पायर को जब इन्होंने खत्म किया, मतलब कि उसको डिसमेंबर किया, खत्म तो पूरा नहीं किया, उसे काट पीट कर छोटा किया, अलग अलग देश बना दिए, दूसरे देशों को बांट दिया, किसी को किसी के निगरानी में छोड़ दिया, कोई दूसरे देश के निगरानी में कुछ पार्ट को छोड़ दिया, तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने काट पीट कर, बांट कर छोटा किया, ताकि वो फिर से उस लेवल तक पावर में न पहुंच पाए जिससे कि फिर कोई बड़ा युद्ध हो, कोई द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध हो जाए द्वितीय के बाद। तो इस चीज के लिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को जब ये तोड़ा, तो यहाँ पर जो इसराइल है, तो इसराइल का ये जो एरिया जो है सो यहाँ पे पहले जो था सो ब्रिटिश का राज था। तो यहाँ पे ही इन्होंने पैलेस्टाइनियन लोग, जो जो फिलिस्तीनी लोग जो थे, उन्हीं के बीच में जो है सो इसराइल को भी जगह दे दी और एक एरिया बांटकर दे दिया। लेकिन इस चीज को जो ये कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो देश हैं, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके कारण क्या हुआ कि उस समय से इसराइल जो है सो बनाया गया 1947 में, और तब से लेकर हमेशा कभी ना कभी युद्ध होता रहा है। एक मेजर युद्ध हुआ 1967 में, सिक्स डे वार,
इसमें क्या हुआ कि इजराइल इतना छोटा देश होने के बाद भी तुरंत अभी बना ही था, ज्यादा दिन हुए नहीं थे, 20 साल हुए थे बने हुए, उसके पहले एक और युद्ध हो चुका था, फिर भी इजराइल ने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट को हरा दिया, इधर सीरिया को हरा दिया, यहाँ पर गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या है कि जो जेरूसलेम का एरिया है वो पहले फिलिस्तीनियों के अंडर में था, वहां पर जो है सो कई धार्मिक स्थल है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये जो इसराइल है ये अभी की स्थिति है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर ये वेस्ट बैंक का एरिया है, ये गोलन हाइट्स है। तो ये गोलन हाइट्स का जो एरिया है इस पे भी जो है सो कब्जा किया इसराइल ने 1967 की लड़ाई में, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये सीधा ऐसे था, जेरूसलेम फिलिस्तीनी एरिया के बीच में था, लेकिन 1967 की लड़ाई में क्या हुआ, इसराइल जो है सो यहाँ पर घुस गया और जेरूसलेम तक पहुंच गया, और उसके बाद इसराइल कभी पीछे हटा ही नहीं, और इसी के पीस में यहाँ पर उसके बाद खींचतान मचती रही फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में, और उसी को पीस करने के लिए वहां पर शांति बहाल करने के लिए 1988 में अमेरिका ने मध्यस्थता की, और जो वस्तु स्थिति बनी हुई थी उसी को दोनों पार्टियों को अग्री करवा दिया। लेकिन दोनों के नेता तो मान गए, इसराइल भी मान गए, लेकिन फिलिस्तीनियों के बीच में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी उग्रवादी ग्रुप डेवलप हो गए, संगठन बन गए, जो कि इस चीज को नहीं मानते थे, अपने नेता के अग्रीमेंट को भी नहीं मानते थे, और तब से जो है सो लड़ाई चली आ रही है, सो चली आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे जेरूसलेम जो है सो तीन धर्मों का प्रमुख स्थल है, ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अलक्सा मस्जिद, उसके बाद ये जो है सो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मुस्लिमों का, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्पल माउंट या फिर डोम ऑफ रॉक, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है यहूदियों का, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है चर्च ऑफ होली सेपल्चर, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ईसाइयों के लिए। तो एक छोटे से जगह में आप देख रहे हैं, ये पुराना जो ये आउटलाइन है ये ओल्ड टाइम एंशियंट टाइम का जो इसराइल था उसके किले का जो है सो चौहद्दी है, और इसमें जो है सो तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों का समावेश है, और यही पे खींचतान मचती है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही बाउंड्री के अंदर में यहूदियों का भी धार्मिक स्थल है, मुसलमानों का भी धार्मिक स्थल है। अभी रमजान का महीना चल रहा है, पिछले शुक्रवार को क्या हुआ कि यहां पर जब रमजान की नमाज चल रही थी आखिरी शुक्रवार की, उस समय जो है सो यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ नमाज अदा करने वाले लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ये कंट्रोल में तो है एरिया इसराइल के, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए वहां पर लोग आते हैं और वो अलाउ भी किया जाता है फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो जब आए तो इसराइली सैनिक को लगे चिढ़ाने, वहां पर पटाखे वटाखे फोड़ने लगे और उनको चिढ़ाने लगे, जिसके कारण कि क्या हुआ कि वो लोग भी भिदक गए, वो लोग भी चिढ़ गए, और उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, और इस लाठी चार्ज के बाद पथराव हुआ, दोनों में गुटों में गुत्थम गुत्थी हुई, और उसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो गए और 10-5 लोग मारे भी गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर परिस्थिति गई बिगड़, अब यहाँ पर जो है सो देख रहे हैं कि दोनों का धार्मिक स्थल सेम है, ये वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर कि यहूदी हमेशा जाते हैं, रोते हैं और वहाँ पर वो प्रार्थना वगैरह करते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो उसके बाद यहाँ पर जब परिस्थिति बिगड़ी, तब से जो है सो फिर गाजा पट्टी से यहाँ से जो है सो रॉकेट से हमला होने लगा जेरूसलेम की तरफ और इसराइल की तरफ, और इधर वेस्ट बैंक से भी हमला होने लगा। अब यहाँ पर रॉकेट से हमला होने लगा तो क्या हुआ कि जो आयरन डोम है डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम एक बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, यहाँ पर देखते हैं कि आयरन डोम है क्या। तो ये जो है सिस्टम, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, तो ये जो है सो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को जो है सो आइडेंटिफाई करता है, उसको ट्रैक करता है, ये इनका ट्रैकिंग सिस्टम है, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार सिस्टम। फिर ये जो है सो जैसे ही अपने रडार से जो है सो इनेमी की आर्टिलरी को, रॉकेट को डिटेक्ट करेगा, ये सिग्नल देगा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम को, और ये कंट्रोल सिस्टम फिर जो है सो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फायरिंग यूनिट को सिग्नल देता है, और वो फिर जो है सो जो भी अंदर आ रहे रॉकेट होते हैं, आर्टिलरी होते हैं, उनको नेस्तनाबूत कर देता है, उनको इंटरसेप्ट करता है।
लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो डिप्लॉयमेंट है इनका, इन्होंने जो आर्टिलरीज और जो डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का जो है सो लगा रखा था, उसकी गिनती इतनी नहीं थी जितना कि इधर से जो है सो गाजा पट्टी की तरफ से फायरिंग हो रही थी। इधर से क्या हो रहा है कि एक एक बार में दो दो सौ रॉकेट फायर कर दे रहे हैं। अब दो दो सौ रॉकेट फायर हो जा रहा है तो उसमें से 10-5 क्या हो रहे हैं कि छूट जा रहे हैं। वो अगर ट्रैक हो भी रहे हैं तो यहाँ पर बैटरी में तब तक आर्टिलरी खत्म हो जा रही है या ट्रैकिंग ही नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ एरर रह जा रहा है, जिसके कारण कि क्या हुआ कि इसराइल में भी तबाही मच गई। अब इसराइल में तबाही मची तो इसराइल का तो सीधा सा सिद्धांत है आंख के बदले आंख। तो उन्होंने जैसे ही जो इसराइल में तबाही मचाई, 4 लोग जो है सो कल मारे गए इसराइल में, उसके कारण क्या हुआ कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक चालू कर दी। अब एयर स्ट्राइक चालू की तो उन्होंने भी जो है सो फिलिस्तीन के और गाजा पट्टी के जो भी सिविलियंस एरिया है या जहां पर भी उनको डाउट लगा कि यहाँ पर जो है सो विद्रोही या आतंकवादी उग्रवादी रह सकते हैं, मिल सकते हैं, या यहाँ से फायरिंग आ रही है आर्टिलरी की, उन सारे जगहों पर इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। अब एयर स्ट्राइक हुई तो क्या हुआ कि वहां पर सिविलियंस भी मारे गए। अब तनातनी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण कि ह्यूमन राइट्स वाले वर्ल्ड कम्युनिटी में और इधर उधर की भी जो है सो बातें उठ रही है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि उकसावा कहाँ से आया, क्या परिस्थिति है, पुराने समय से क्या रही, इसका अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकला नहीं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और ये लंबे समय से चला आ रहा है एक विवाद है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये चीज है कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये इसराइल का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में। इसके बाद आप जानते हैं कि थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है ये जो है सो अमेरिका का है, S-400 रसिया का है, और ये सारे डिफेंस सिस्टम जो है सो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम समय से एक है, तो उसमें से एक आयरन डोम भी है, फिर भी ये मिस कर जा रहा है। और ये इसके मिस करने का कारण ये हो रहा है कि यहाँ पे फायरिंग ज्यादा नंबर्स में हो रही है, एक दो नहीं, एक एक बार में दो दो सौ बम चला दे रहे हैं, मतलब पकड़ो कितना पकड़ो गया, तो वो हिसाब हो जा रहा है। तो यहाँ पर परिस्थिति यही है कि अभी तनातनी मची हुई है, और फिलहाल इसराइल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसराइल जो है सो लीडरलेस है। इसराइल में अभी कोई नेता नहीं है, कोई पीएम नहीं है, ठीक है, तो इसराइल में पीएम नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 3ों बार बहुमत नहीं जुटा पाए। और इसराइल में पॉलिटिकल सिस्टम का ये सिस्टम है कि वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले, मान लीजिए 40% ऑफ वोट मिले, और अगर वहां के संसद में 100 सीटें हैं तो इस पार्टी को अगर 40% सीटें मिल वोट मिली है 40%, तो इसके 40 आदमी जाएंगे इस पार्टी के, जिसको 10% मिली है तो उसके 10 आदमी जाएंगे। तो इस कारण क्या हुआ कि बहुमत नहीं जुटा पाए, बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी 50% को पार नहीं कर पाए, और दूसरे उनके जो कोलिजन पार्टी थी उनको मिलाकर भी वो सरकार स्थिर सरकार नहीं बना पा रहे, जिसके कारण पिछले 1 साल से यहाँ पे कोई पीएम नहीं है, कोई लीडर नहीं है, और उसके कारण यहाँ पर है डिसीजन मेकिंग का जो है सो इशू आ जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू का जो कैपेसिटी है फॉरेन पॉलिसी का, जो जैसे वो राजनेता है तो वो जो है सो दूसरे कंट्रीज से अपना अच्छा समन्वय बिठा लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया या फिर इंडिया हो गया, चाहे फिर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, लेकिन लीडरशिप नहीं होने के कारण अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग देशों में, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वार छिड़ी हुई, इंफॉर्मेशन वार छिड़ी हुई है, अलग अलग ट्विटर पर ट्रेंड्स हो रहे हैं, जिसके कारण कि अभी इसराइल जो है सो एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया है, एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, न बढ़िया से वो हमला कर पा रहा है, न ही अपना बचाव कर पा रहा है, और परिस्थिति अभी गर्मा गर्मी की बनी हुई। तो इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट आता है उस पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।